मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि क्लाइम कर रही होती है और उसका बाप उसे ऊपर से बुला रहा होता है। फिर ये पहाड़ पर चढ़कर दोनों एक जगह पर बैठते हैं। इसका बाप इसे बताता है कि ये पहाड़ पहले ट्रोल हुआ करते थे और एक दिन गलती से इनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ गई जिससे ये पहाड़ बन गए। ये लड़की अपने बाप को कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। और अब इस बात को पूरे 20 साल गुजर गए थे और अब ये लड़की बड़ी हो चुकी थी जिसका नाम है नोरा और अब ये डायनासोर की हड्डियों को ढूंढती थी यानी कि पेंटोलॉजिस्ट। ये खुदाई कर रही होती है लेकिन तभी से वहाँ पर कुछ मिलता है और वो डायनासोर की हड्डियां थी जिसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर हम इस तरफ देखते हैं कि कुछ लोग पहाड़ों में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे। बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद कुछ वर्कर गाड़ी में बैठकर पहाड़ के अंदर जाते हैं। ये सभी फिर गाड़ी से उतरते हैं लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर ये सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं लेकिन तभी ये सभी उन पत्थरों में दब जाते हैं और इस तरफ ये मिलिट्री प्लेन को वहाँ पर भेजते हैं जहाँ पर ये हादसा पेश आया। वो प्लेन वहाँ की फोटोज और वीडियोज बनाकर लेकर आते हैं जिसको देखकर आर्मी का जनरल बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। फिर ये आदमी जिसका नाम है एंड्रयू वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और इसे कहता है कि जनरल ने आपको बुलाया है और रास्ते में हेल्थ मिनिस्टर आपको सब कुछ बता देंगे। फिर ये आदमी प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ बताता है और वो सारी वीडियोज और फोटोज दिखाता है। एंड्रयू फोटो को देखकर कहता है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर फिर इसको कहती है कि उनको बुलाओ जो इसके बारे में बता सके। और इस तरफ नोरा और इसके सभी साथी पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है। एक फौजी नोरा को आकर कहता है एक सीक्रेट मिशन है जिसमें हमें आपकी जरूरत है। नोरा हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और फिर ये वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये नोरा को सीक्रेट बेस पर लेकर आते हैं। एंड्रयू जो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट है वो इसे वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। फिर नोरा उन वीडियोज और फोटोज को देखती है फिर उनको कहती है कि क्या आपको ये नहीं लगा कि ये किसी के पैरों के निशान है यानी कि फुटप्रिंट। फिर एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम है सिगरेट। इन्हें बताती है कि जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनमें से एक के मोबाइल में मुझे ये वीडियो मिली। फिर ये उस वीडियो को चलाती है तो पहाड़ के अंदर से कोई बहुत ही बड़ी इंसानों जैसी कुछ चीज निकल रही थी। और इस तरफ हम देखते हैं कि एक छोटे से घर में बूढ़ा आदमी और औरत अपने घर पर बैठे थे लेकिन तभी इनका घर हिलने लगता है और फिर ये दोनों अपने घर की बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर ये दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं तो इनका आधा घर गायब था। और इस तरफ एंड्रयू नोरा को कहता है कि हमें एक जगह पर जाना होगा, वहाँ पर भी वैसे ही निशान देखे गए हैं। फिर ये हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। फिर वहाँ पर एक फौजी था जिसका नाम है क्रिस, वो इनको बूढ़े आदमी और औरत से मिलाता है। नोरा फिर उससे पूछती है कि क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी थी। ये कहती है हाँ, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है। नोरा फिर इसे कहती है कि मुझे किसी से मिलने जाना होगा। नोरा फिर अपने बाप के पास आती है और उससे वो वीडियोस दिखाती है। इसका बाप इसे कहता है कि मैंने कहा था ना कि ट्रोल्स होते हैं और ये ट्रोल है जो जाग गया है। नोरा अपने बाप को कहती है कि वो तो बस कहानियां हैं, हमें आपकी जरूरत है इसलिए आप हमारे साथ चलिए। फिर ये हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर निशान दिखना बंद हो गए थे। ये नहीं कहता कि हेलीकॉप्टर को यहीं पर उतार दो, वो ट्रोल यहीं कहीं पर पहाड़ बना होगा। फिर ये थोड़ी दूर जाकर कूदने लगता है। नोरा अपने बाप को कहती है कि ट्रोल्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन तभी ट्रोल अपनी आंख इसके सामने खोलता है। नोरा अपने बाप को उसके बारे में बताती है और तभी ट्रोल उठकर खड़ा हो जाता है। फिर ये भाग कर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। ट्रोल इनके हेलीकॉप्टर को पकड़ने वाला था लेकिन तभी ये हेलीकॉप्टर को उड़ा देते हैं। और इस तरफ सिगरेट आकर इनको बताती है कि आप सभी स्क्रीन पर देखें। ये सभी लोग ट्रोल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर नोरा सीक्रेट बेस पर आकर प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि वो बहुत ही बड़ा ट्रोल है। प्राइम मिनिस्टर फिर ऐसे कहते हैं कि तुमने उसे ढूंढा, इसके लिए शुक्रिया, मिलिट्री उसको संभालेगी। और इस तरफ नोरा अपने बाप को कह रही थी कि ये आपकी कहानियों के ट्रोल नहीं है जो क्रिश्चियन का खून सूंघ लेते हैं और सूर्य के सामने जल जाते हैं। इसका बाप इसे कहता है कि पहले ट्रोल ही इस दुनिया में रहा करते थे, वो बुरे नहीं होते हैं इसलिए हमें उसे बचाना होगा। नोरा फिर क्रिस के पास जाती है और इसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। क्रिस मान जाता है और इसे कहता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मिलिट्री फिर वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इसे ट्रोल की लोकेशन मिली थी। फिर इनको ट्रोल दिखाई देता है और ये ट्रोल पर बॉम्ब मारने लगते हैं लेकिन तभी क्रिस देखता है कि वो अपने आप को फिर से हील कर लेता है। ट्रोल फिर मिलिट्री की गाड़ियों को तबाह करने लगता है। ट्रोल फिर इनके पास पहुंच जाता है और ये दरख्त के पीछे छुपे होते हैं और इनके पास एक क्रिश्चियन फौजी था जो अपने बचने की दुआ मांग रहा था। ट्रोल इनका खून सूंघ सकता था तो इसलिए ये इसको पकड़ कर खा जाता है लेकिन तभी नोरा का बाप ट्रोल के पास जाकर इसको शांत कर देता है। लेकिन तभी एक फौजी ट्रोल के पीछे से गोलियां मारने लगता है। ट्रोल को गुस्सा आ जाता है और वो इसके मुक्का मारता है और पीछे घूमकर उसकी गाड़ी भी तबाह कर देता है। नोरा भागकर अपने बाप के पास जाती है। फिर वो ट्रोल की तरफ देखते हैं तो ट्रोल वहां से चला जाता है। नोरा के बाप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये मरते मरते यही कुछ अल्फाज बोलता है, रॉयल पैलेस, राजा और सिंडिंग। फिर ये मर जाता है। फिर ये सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और नोरा ने बताती है कि मेरे पापा ने कहा था कि क्रिश्चियन ट्रोल को घंटियां बजा जाकर भगा देते थे, इसलिए ट्रोल क्रिश्चियन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और इनका खून भी सूंघ सकते हैं। और इस तरफ ट्रोल एक पार्क में आ चुका था और तभी वहां पर चार हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इन चार
चारों हेलीकॉप्टर पर घंटियां बंधी हुई थी। घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल अपने कानों पर हाथ रख लेता। फिर ये नीचे से एक फूड ट्रक पकड़कर एक हेलीकॉप्टर के मारता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये एक हेलीकॉप्टर को पकड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर पर मारता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर छोटी लड़की पर गिरने वाला था, लेकिन तभी ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। नोरा इन्हें कहती है कि पापा सही कहते थे कि ट्रोल अच्छे होते हैं, वो बिला वजह किसी को कुछ नहीं कहते। ट्रोल फिर वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ट्रोल ओस्लो शहर की तरफ बढ़ रहा है। फिर ये इन्हें कहता है कि हमें उसे रोकने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा। एंड्रयू नोरा के पास जाता है और ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। नोरा ऐसे कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये बताता है ये ओस्लो को खाली करवा रहे हैं ताकि ट्रोल पर मिसाइल मार सके। ये ओस्लो से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक में फंस जाते हैं। नोरा ने एक बुक पकड़ी होती है जिस पर सेंडिंग लिखा होता है। एंड्रयू सेंडिंग को देखकर बोलता है, सेंडिंग से तो मुझे रिकॉर्ड सेंडिंग याद आ गया, रॉयल पैलेस का चीफ। नोरा ऐसे कहती है कि गाड़ी घुमाओ और जल्दी से रॉयल पैलेस की तरफ चलो। ये पैलेस में पहुंचे तो वहां के सिपाही से गेट पर ही रोक देते हैं, लेकिन तभी वहां पर रिकॉर्ड सेंडिंग आ जाता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि इन्हें अंदर आने दो। और ये नोरा को कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा बाप यहाँ पर आएगा, लेकिन उसकी जगह तुम आई हो। फिर एक सुरंग का दरवाजा खोलता है और इन्हें कहता है कि यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। फिर ये गुफा के थोड़ी अंदर आकर लाइट को ऑन करता है तो ये देखते हैं कि उस गुफा के अंदर और भी बहुत से ट्रोल्स की हड्डियां थी। फिर ये इन्हें बताता है कि वो जो ट्रोल यहाँ पर आ रहा है और ये उसका घर है, ये सभी उसी के परिवार वाले की हड्डियां हैं, वो यहाँ का राजा है इसलिए वो यहीं पर आ रहा है। फिर नोरा ट्रोल की हड्डियों पर टॉर्च मारती है तो वो हड्डियां जलने लगती है। नोरा कहती है कि पापा ने सही कहा था कि ट्रोल रोशनी से जल जाते हैं। फिर ये गुफा से बाहर आती है और क्रिस को फोन लगाती है और इसे कहती है कि तुम यूवी लाइट का इंतजाम कर सकते हो। क्रिस इसे कहता है कि मैं इंतजाम कर दूंगा। और इस तरफ ये प्लेन ट्रोल पर मिसाइल मारने के लिए जाने लगता है। एंड्रयू फिर सिगरेट को फोन लगाता है और इसे कहता है कि क्या तुम प्लेन को थोड़ी देर के लिए हैक कर सकती हो। सिगरेट प्लेन को हैक करने के लिए मान जाती है। और इस तरफ ट्रोल ओस्लो शहर में आ चुका था। नोरा कुछ सिपाहियों को ट्रोल की गुफा में लेकर आती है और उनकी मदद से एक ट्रोल की खोपड़ी को गाड़ी पर रखवाती है और गाड़ी को लेकर पैलेस से बाहर आ जाती है। और इस तरफ ये प्लेन ट्रोल पर मिसाइल मारने वाला था, लेकिन तभी सिगरेट उसको हैक कर लेती है, जिससे वो मिसाइल ट्रोल पर शूट नहीं कर पाता। ट्रोल अब पैलेस के सामने आ गया था और उसी को देख रहा था। नोरा फिर अपनी गाड़ी को भगा देती है और ट्रोल के टांगों के बीच से गुजर जाती है। फिर ये अपनी गाड़ी को हॉर्न मारती है और खोपड़ी से कपड़ा हटा देती है। ट्रोल खोपड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनके पीछे पीछे जाने लगता है। ये थोड़ी दूर जाते हैं तो वो खोपड़ी गाड़ी से फिसल कर नीचे गिर जाती है और ये थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। तभी वहां पर ट्रोल आता है और वो खोपड़ी को पकड़ लेता है। फिर ये बिल्डिंग के शीशे में अपना मुंह देखता है तो उसको टच करता है तो वो शीशा टूट जाते हैं और गलती से इससे खोपड़ी नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, जिससे इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनकी तरफ तेजी से आने लगता है। नोरा फिर तेजी से भगाकर पुल को पार कर लेती है, लेकिन ये पुल को तोड़ देता है। ये गाड़ी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। नोरा एंड्रयू को कहती है कि तुम गाड़ी से कूद जाओ। एंड्रयू फिर गाड़ी से कूद जाता है। फिर ये गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी नोरा गाड़ी से कूद जाती है। फिर ये नोरा को अपने पांव के नीचे कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी क्रिस सभी को कहता है कि ट्रक के हॉर्न बजाओ। फिर वो सभी ट्रक के हॉर्न बजाने लगते हैं, जिससे ट्रोल का ध्यान उन पर चला जाता है और एंड्रयू नोरा को लेकर वहां से हट जाता है। फिर ये ट्रोल पर यूवी लाइट मारने लगते हैं, जिससे ट्रोल जलना शुरू हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नोरा को ट्रोल पर तरस आ जाता है और वो सारी यूवी लाइट को जाकर बंद कर देती है और ट्रोल के पास आकर इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम फिर से पहाड़ों में चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी सूर्य निकल आता है, जिससे ट्रोल जलने लगता है और जलकर नीचे गिर जाता है। रोशनी की वजह से वो पिघल कर पूरा पत्थर बन जाता है। फिर वहां पर प्राइम मिनिस्टर आ जाती है और नोरा को कहती है शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। एंड्रयू फिर प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि अब मैं ये जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता हूँ। फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। एंड्रयू फिर नोरा को कहता है कि इसके जैसे और भी होंगे बड़े बड़े पहाड़ों में छुपे हुए। नोरा इसको कोई जवाब नहीं देती और हंसने लगती है। फिर हमें वही जगह दिखाई देती है जहाँ से ये ट्रोल निकला था। फिर हम पहाड़ के अंदर देखते हैं तो एक और ट्रोल की आवाज सुनाई देती है और यहाँ से मूवी खत्म हो जाती है।